हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ चॉकलेट केक, वो भी विदाउट मैदा, ओवन, शुगर और कंडेंस मिल्क। ये चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जो भी सामान लगने वाला है वो हमारे घर में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। अब हम बैटर की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म दूध लिया है 1/4 कप। इसमें मैंने 1/2 कप ग्रेट किया हुआ गुड़ डाला है। अगर आप बड़े बड़े पीसेस रखते हैं तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे गुड़ हमारा गर्म दूध में अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, जिससे कोई भी स्मेल नहीं चाहिए, अदरवाइज आपके केक को भी वैसा ही स्मेल आएगा। इसमें जाएगा कुछ ड्रॉप्स चॉकलेट एसेंस, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर मिल्क। बटर मिल्क के बदले आप दही का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसमें जाएंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून ऐड किए हैं डार्क कोको पाउडर। इसे चॉकलेट का फ्लेवर आने के लिए मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध, लेकिन दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए, तो कुछ इस तरीके से हमारा बैटर चाहिए। अब हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ पे बादाम का यूज किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है केक कंटेनर, इसे मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे बैटर और इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे स्पैचुला से। आप चाहे तो स्क्वायर कंटेनर, राउंड कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैटर इवनली स्प्रेड कर लिया है। इसे टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल है वो आसानी से निकल जाए। इसी के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चॉप किए हुए बादाम। केक कंटेनर हमारा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे कढ़ाई भी हमारी ऑलरेडी प्री हीट हो गई है। अब हम इसमें केक बेक करने रख देंगे 25-30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। बेकिंग टाइम कम ज्यादा हो सकता है, तो जब तक टूथपिक क्लियर नहीं आती तब तक आप उसे बेक करें। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स के बाद चेक किया है, टूथपिक क्लियर आई है, मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और बाद में अनमोल्ड करेंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसे अनमोल्ड करूंगी। तो चारों तरफ से मैंने नाइफ से केक को लूज कर लिया है ताकि ये आसानी से निकल जाए। और यहाँ पे केक हमारा अच्छे से निकल गया है, कंटेनर को बिल्कुल भी चिपका नहीं है। वाव, हमारा डिलीशियस चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी हो गया है, वो भी हेल्दी, आटे का बनाया है और विदाउट शुगर का। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये केक हमने घर पर बनाया है, और वो भी घर में जो सामान इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वही सामान से ये केक बनाया है, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी, हेल्दी भी हुआ है। अब मैं आपको अंदर से टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर तक बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हुआ है और बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी भी हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से हेल्दी केक घर पर बनाइए। बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग भी इस केक को पसंद करेंगे, तो आप इसी तरीके से घर पर जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।